जन की बात हमारे साथ। गिरिडीह के राजधनवार के बलहरा के आदित्य मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर लाखों रुपये के मोबाइल चोरी होने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर ली है। पुलिस के अनुसार अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों ने मोबाइल दुकान में चोरी की वारदात का अंजाम दिया था। गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने साहेबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के बालूग्राम पश्चिम गांव से दबोच भी लिया है। वारदात को अंजाम देने में पुलिस के हत्थे चढ़े शमायूल शेख के अलावे 3 अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस उन तीनों के नाम व पते का सत्यापन कर ली है। यह जानकारी खोरी महुआ SDPO मुकेश कुमार महतो ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि शमायूल के निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त औजार आरी स्लायरेंच छेनी स्क्रू ड्राइवर के अलावे चोरी की एक मोबाइल और मोबाइल का राइपर भी बरामद हुआ है। पुलिस ने उक्त बेलोरो पिकअप वाहन को भी साहेबगंज से बरामद कर ली है, जिसमें चोरों ने मोबाइल आदि दुकान से चुरा कर ले गए थे। विदित हो कि इसी माह 18 जुलाई की रात को चोर गिरोह के सदस्यों ने दुकान के पीछे सेंधमारी कर 90,000 नकदी सहित करीब 13 लाख रुपये मूल्य के मोबाइल की चोरी कर ली थी। दुकानदार दिवाकर कुमार की शिकायत पर घोड़थम्बा OP में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी थी। खोरीमहुआ SDPO ने मामले के उद्भेदन को लेकर एक टीम भी गठित की थी, जिसमें घोड़थम्बा OP प्रभारी ओम प्रकाश, SI अभिषेक कुमार, SI हीरा ठाकुर, तीसरी इंस्पेक्टर सहदेव कुमार महतो के अलावे खुद SDPO भी इस टीम में शामिल थे। बताया टेक्निकल तकनीक सेल व जगह जगह तैनात गुप्तचरों की सूचना के आधार पर घटना के महज 10 दिनों के अंदर सातिर चोर को गिरफ्तार कर पाने में पुलिस सफलता पाई है। बताया घटना में शामिल अन्य 3 लोगों को जल्द ही पुलिस अपने कब्जे में लेगी। पुलिस इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। खोरीमहुआ SDPO ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के 25 वर्षीय सदस्य शमायूल शेख पिता लतीफ शेख को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया।